हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं व्रत के लिए कुट्टू के आटे का एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाकर तैयार करूँगी। ये नाश्ता मैं सिर्फ दो चीज़ों से बनाकर तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। तो मैंने ये आलू को उबाल कर छील लिया है और अब इनको मैश कर लेती हूँ। तो इनको मैं कद्दूकस की हेल्प से सारे आलू को मैश कर लूँगी। तो मैंने ये सारे आलू को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ताज़े हरे धनिया की पत्ती बारीक काट कर डाल दी है और ये मैंने 4-5 हरी मिर्च को बारीक काट कर इसमें डाल दिया। ये कुट्टू का आटा है 100 ग्राम, कुट्टू का आटा भी डाल दिया इसमें। और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, नमक को इसमें सेंधा नमक लिया है, ये व्रत वाला नमक होता है। और इस सबको डालकर अच्छे से मिला दूंगी। ये मैं हाथों से इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों पर थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और इसके छोटे छोटे कटलेट बनाकर तैयार कर लूंगी। तो इनको आप किसी भी शेप में बना सकते हो। ये मैंने सिलेंडर के आकार में बना लिया है। तो इसी तरीके से मैं और भी सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। और अब मैं गैस पर कढ़ाई रख दूंगी और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें कटलेट डालना शुरू करती हूँ। तो मैं एक एक करके सारे कटलेट इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया है। तो कटलेट डालने के 5 मिनट के बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी और इनको एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इनको हमें अलटते पलटते रहना है, जिससे चारों तरफ से अच्छे से एकदम क्रिस्पी बन जाए। तो इनको फ्राई होने में करीब 5-6 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैंने इनको अच्छे से चारों तरफ से इनको एकदम क्रिस्पी बना लिया है। तो कटलेट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको चाय के साथ या दही के साथ व्रत में अच्छे से सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी होते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।